हेलो गाइस, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ वो जानकारी शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि मेरा एक वीडियो से कैसे मैंने वॉच टाइम कंप्लीट करा और एक ही वीडियो से मैंने सब्सक्राइबर कंप्लीट किया, वो भी 1K। यानी मेरा एक ही वीडियो से मेरा 1K कंप्लीट हो गया था और मोनेटाइज भी एक ही वीडियो के कारण हुआ मेरा। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ मेरा, और यहाँ पे आप डिटेल देख भी सकते हैं कि एक वीडियो से मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो अब मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि हर यूट्यूबर करता है, लेकिन इस तरीके से नहीं करता है जैसे कि हम आपको वो जानकारी बताएंगे जिसमें आप 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे करेंगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे आप कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरा नाम है अर्जुन सिंह और मेरे सोट्रिक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो तक, आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सबसे पहले 1K सब्सक्राइबर कैसे पूरे करना है। देखिए, सबसे पहले जब हम नए नए क्रिएटर होते हैं तो हम क्या करते हैं, नए यूट्यूब चैनल बनाते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमारे पहले तो 100 सब्सक्राइबर कैसे पूरे होंगे। सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे यार 100 सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद देखते हैं 1000 तो हो ही जाएंगे। तब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं यार हमारे 200 हो जाए, फिर 200 हो जाते हैं हम सोचते हैं 500 हो जाए, 500 हो जाता है 1000 हो जाए, इस तरीके सोचते हैं। तब हमारे 1000 हो जाए तो हम सोचते हैं 1 लाख हो जाए, मतलब उम्मीदें बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए जब हमारे 10-5 सब्सक्राइबर रहते हैं तो उम्मीद हमारी यही रहती है सबसे पहले कि हमारा चैनल कब मोनेटाइज होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें सब्सक्राइबर इकट्ठा करना है, देखिए सब्सक्राइबर हमें इकट्ठा करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी दोस्त का फ़ोन लिया, उसको उससे सब्सक्राइब कर दिया। देखिए उससे सब्सक्राइबर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि देख उससे सब्सक्राइब तो हम करवा लेते हैं, सब्सक्राइब करवा लेते हैं, लेकिन क्या होता है उससे व्यू नहीं आता। उससे क्या होगा कि व्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी वीडियो से इंटरेस्ट नहीं है। कभी भी दोस्त संतुष्ट नहीं होते हमारी वीडियो से, और ना ही उनको ये ऐसी चीज़ें देखना पसंद होता है। देखिए जिसको अच्छा लगता है वीडियो वही हमारी वीडियो देखता है, जिसको सिर्फ अच्छा लगता है। तो आप एक उसमें क्या करना, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना, कि सबसे पहले क्या होगा अपना थंबनेल अच्छा बनाना है, ठीक है। थंबनेल अच्छा बनाइए, टाइटल अच्छा लिखिए, टैग अच्छा लिखिए और डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखिए। लिखिए कैसे, देखिए सबसे मेन बात जो है वीडियो का, जब हम क्या करते हैं जब वीडियो को अपलोड करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिएगा अपना कि टाइटल सेम लिखिएगा, मतलब टाइटल में जो आपने लिखा ना सबसे ऊपर उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दीजिएगा। पहले अपने बारे में थोड़ी जानकारी देने का, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन के नीचे उस टाइटल को लिख दीजिएगा, फिर उसी टाइटल को टैग में भी आप कॉपी कर दीजिएगा। तब तीनों जगह सेम होना चाहिए। अब उससे क्या होता है, तीनों जगह जब सेम होता है तो मैच हो जाता है। मैच होने के बाद में हम सर्च मारते हैं किस चीज़ को, अगर मान लिया वीडियो हमने वीडियो कैसे अपलोड करें और यही हमारा टाइटल हो गया, ये हमने सभी जगह तीनों जगह हमने लगा दिया, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, टैग में। अब हम क्या करते हैं, जब तीनों जगह मैच हो जाएगा तो सबसे पहले यही वीडियो ऊपर आएगी। एक पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको ये बताया है अभी। अब दूसरी बात, आप वही सब्सक्राइबर हमारा अच्छा रहता है जो हमें वीडियो में खुद से आता है, वो कभी जाता नहीं है और बाकी सब्सक्राइबर हमारे भाग जाते हैं, तो उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता सबसे पहले बात। अब दूसरी बात ये है कि अब आप क्या करिएगा, आप रेगुलर 5 वीडियो बनाइएगा, 4 वीडियो शॉर्ट बनाइएगा, 1 वीडियो लॉन्ग बनाइएगा। कम से कम आप पर डे 5-6 वीडियो रोज डालिएगा। उसमें से ऐसा नहीं होता कि सब यूट्यूबर जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको सब नॉलेज होती है, कुछ नॉलेज नहीं होती, वो अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। जो वे पॉपुलर हो जाते हैं वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पॉपुलर हो गए तो उनको अच्छी जानकारी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वो अपनी जो है एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अब टाइटल और टाइटल के लिए भी एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक ऐप आता है, ठीक है, YT टूल आता है, उससे आप मतलब डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह लिख सकते हो। और थंबनेल के लिए सबसे बढ़िया थंबनेल मेकर ऐप होता है, उसमें सबसे बढ़िया सिस्टम ये होता है, HD क्वालिटी का बन जाता है थंबनेल। अब रहती है सबसे बढ़िया एडिटिंग की, एडिटिंग होती है हमारी काइन मास्टर, सबसे बढ़िया जो एडिटिंग होती है वो होती है हमारी काइन मास्टर से, ठीक है। अब हमारी अभी क्या रह गया, देखिए अब
बात आती है कि वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे, तो वीडियो पर देखिए व्यू जब आएंगे आप शॉर्ट वीडियो पर व्यू भी आएंगे, सब्सक्राइब भी आएंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा आप शॉर्ट वीडियो बनाइएगा। तब तक आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता, तब तक आप रेगुलर शॉर्ट वीडियो पाँच सात वीडियो शॉर्ट बनाए, जितनी आप बन सके उतनी बनाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आती कि आप जितनी वीडियो डाल सकते हो डालो रेगुलर, ठीक है। आपका वीडियो कम से कम 40 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30-40 सेकंड से ऊपर का वीडियो नहीं होना चाहिए। शॉर्ट वीडियो रेगुलर बनाते रहिएगा, आपकी वीडियो जरूर एक दिन रैंक करेगा। मेरे भी इस तरीके से वीडियो रैंक किया है मैंने, चार पाँच वीडियो में शॉर्ट बनाता था, एक वीडियो में लॉन्ग बनाता था, तो उसमें क्या होता था मेरा शॉर्ट वीडियो से सब्सक्राइबर आता था, लॉन्ग वीडियो से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता था। तो मेरा एक ही वीडियो वायरल हुआ, एक लगभग दो वीडियो वायरल हो गए, दो तीन, तो एक वीडियो ने तो मेरा कंप्लीट कर दिया वॉच टाइम और सब्सक्राइबर। तो ऐसे ही दोस्तों आपको करना है, अगर जानकारी थोड़ी अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।